कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ और आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं और हम मामाज को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कि बच्चे स्कूल जाएंगे, तो इस वजह से आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे आज स्कूल भी गए थे, आज 15th है और आज से ही उनके स्कूल का स्टार्ट हुआ है। तो स्कूल से ही रिलेटेड आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, फ्रोजन पराठा की रेसिपी। बहुत अच्छी, बहुत ही पायदार रेसिपी आप कह सकते हैं। बहुत सालों से मैं ये रेसिपी यूज कर रही हूँ। मैं इसी तरह से पराठे बना के फ्रोज कर देती हूँ, उसके बाद ये है कि फ्रीज कर देती हूँ, और उसके बाद ये है कि सुबह सुबह जब आपको पता है कि उठना पड़ता है, बड़ी मुश्किल होती है, तो बस जस्ट मैं निकालती हूँ, फ्राई करती हूँ और सर्व करती हूँ। आज एक ज्यादा मेरे खुश होने की वजह ये भी है कि आज मेरे मुझे बेटियाँ बहुत पसंद है, लेकिन मेरी बेटी कोई नहीं है, मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं। सो आज मेरे पास एक बहुत प्यारी सी बेटी आई हुई है, मेहमान है, तो मैंने सोचा कि चले आज उसके साथ ही वीडियो बनाई जाए। तो आ जाओ मानो, क्या हाल है आपका? ठीक हो? तो आज मानो हम क्या सिखाएंगे? फ्रोजन पराठा जी। क्या सिखाएंगे? फ्रोजन पराठा। तो आप सीखोगे साथ में? ठीक है। अच्छा, वैसे अभी आपको समझ आ रही है ना क्या क्या पढ़ा हुआ? ठीक है। तो जी आज मानो हमारे साथ हेल्प करेगी और आपको सिखाएगी। सो स्टे ब्लेस। मानो को कि मेरे चैनल को लाइक करें। हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, 250 ग्राम के करीब है। इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से स्टेन कर लिया 2-3 दफा। यहाँ पे फाइन फ्लावर है, जो हम किचन में आटा यूज करते हैं, वो है 1/2 कप। यहाँ पे घी मेरे पास है 1/2 कप। पिसी हुई चीनी 1 टेबल स्पून। सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून। यहाँ पे मेरे पास है 1 टीस्पून ब्रेड इम्प्रूवर। ये आपको इजीली मिल जाता है क्योंकि हमने पराठे फ्रीज करने हैं, तो ये उनकी जो टेक्सचर है वो उनको बहुत अच्छा सॉफ्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा है। ठीक है जी। जिसका मेरे पास ये बटर पेपर है, मैंने ये लिया है और इसकी तरह से पीसेस कर लिए हैं। आप प्लास्टिक शीट भी यूज कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको डिटेल से ये सारी रेसिपी बताऊंगी, इसको आप फॉलो करें और इस तरीके से बनाएं और यकीन करें बहुत अच्छे पराठे बनेंगे आपके। तो चले मानो, ये क्या है? मैदा। गुड। चलिए इसमें हम मैदा ऐड करेंगे, जो मैंने आपको बताया 250 ग्राम के करीब मैदा है। ये जो फाइन फ्लावर, जो किचन का यूज का आटा है, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद ये बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग सोडा, मुझे भुक्की गलती लगी है बोलने में, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं यूज करना, बेकिंग सोडा। और ये जो मैंने आपको बताया ब्रेड इम्प्रूवर है, ये ऐड करेंगे। यहाँ पे इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, ये पिसी हुई चीनी, और यहाँ पे मैंने इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। आप देख सकते हैं मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। और अब इसको दो सारी चीजें मैंने बाउल में ऐड कर दी हैं और अब हम इसको भून लेंगे, अच्छा सा इसका डो बना लेंगे। पानी मैं अभी आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताऊंगी, साथ साथ आपने चेक करना है, ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट डो होनी चाहिए और ना ही हार्ड। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा से पानी ऐड करते जाएंगे।
ये आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत अच्छी डो, बिल्कुल ये आप, मैं आपको दिखा देती हूँ, ना ये बहुत सॉफ्ट है और ना ये बहुत हार्ड है। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए इसी तरह से मैं इसी बाउल में रख दूंगी। इसमें कोई आपने ऑयल वगैरह ब्रश नहीं करना, इसको बिल्कुल इसी तरह रख देंगे, 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। उसके बाद आगे हल्का सा अपने हाथों को ग्रीस कर लिए मैंने, ताकि फ्लावर कम से कम यूज हो। मैं क्योंकि काउंटर मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया, मैं आपको काउंटर पे ही काम करके दिखाऊंगी सब। अब इसको अब हमने ज्यादा इसको नीड नहीं करना, ज्यादा देर इसको रखना नहीं है, बस जस्ट इसके मैं अब पेड़े करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी। ये तकरीबन इस तरह से अपनी मुट्ठी के हिसाब से ना, ये देखें ऐसे आपने इसको हल्का सा इस तरह से अपने इस तरह अपने हथेली के हिसाब से आपने इसको हल्का हल्का घी से ब्रश कर लूंगी। ये मेरे पास घी है, आप देसी घी भी ले सकते हैं अगर आपको घी आप अवॉइड करना चाहते हैं, आप ऑयल में भी कर सकते हैं काम। ये है कि लेकिन पराठे ज्यादा अच्छे घी के बनते हैं, और देसी घी हो तो फिर क्या ही बात है बनाओ। और वैसे मुझे बहुत पसंद है देसी घी। जी मानो आप ब्रश करना चाहेंगी इसको, ले आप प्लीज ब्रश करें, वेरी नाइस। तो जी 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसके बाद हम अपना अगला प्रोसेस करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, अब आपने कोई ऐसा वो नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, काफी तरह के स्टाइल से पेड़े करते हैं, कुछ लोग स्क्वायर पराठा भी बनाते हैं। मैं वो भी अपनी एक वीडियो में बताया था, मैं वो भी फिर दोबारा आने वाली वीडियोस में मैं आपको बता दूंगी। तो अभी तो मैं आपको जो बाजार के जैसे पेड़े बन गए और जैसे पराठे बने होते हैं, मैं वो आपको सिखा रही हूँ। बिल्कुल उस तरह से फ्रोजन पराठा बनेगा और आप उसको फ्रीज कर लीजिएगा। आपको पता ही है थोड़ा आटे का काम थोड़ा मैसी काम होता है, तो इसको आप प्लीज इतने मैंने बहुत थिन सी इसकी एक रोटी बना ली है, और अब मैं इसको ब्रश करूंगी। तो अच्छे से आपने पहले ब्रश कर लेना, काफी डिफरेंट स्टाइल होते हैं आपको पता है पराठे के, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ आपने इस तरह से इसको स्ट्रिप्स में काट लेना। अगर आपके पास पिज्जा कटर है तो उसको तो बहुत ही जबरदस्त है, आप उसे भी कर सकते हैं, नाइफ से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अब आप देखिए मैं इसको इस तरह से हल्का सा पहले आपने टर्न किया एंड देन रोल इट, सबसे छोटे वाले स्ट्रिप से आपने स्टार्ट करना है और फिर आपने इसको रोल करते जाना है। ये जी लास्ट वन, और जो ये इसका रह जाएगा इसको आपने इसके नीचे इस तरह से करना है एंड देन बहुत लाइटली प्रेस इट। ठीक है जी, ये मेरा एक पेड़ा बिल्कुल रेडी हो गया। मैं सेकेंड किया, मैंने इसको रोल अप कर लिया है और अगेन मैं इसके साथ वही प्रोसेस करूंगी, इसके साथ वही सलूक करूंगी, प्रोसेस वही सलूक करेंगे। एंड मानो आपको बहुत हंसी आ रही है, ओके और बात यहाँ हंस सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं। अच्छे से ब्रश कर लेंगे ऑयल से और मैदा स्प्रिंकल करेंगे, और अगेन अगर आपकी नाइफ अटक गई आप इस तरह से हल्का सा मैदा लगा सकते हैं और इस तरह से इसकी काट लेंगे। छोटी चुनी मुनी सी स्टेप मेरी बहुत फेवरेट है, इसलिए मैं स्टार्ट भी से ही करूंगी। माना आपको समझ आ रही है कि जो ये लास्ट वन है अब देख लें, एंड जो एंड अप है उसको मैंने इस तरह से नीचे से टकन किया और हल्का सा इसको प्रेस कर दिया। तो ये भी हमारा हो गया, सारे पेड़े कर ले फिर आपसे दोबारा मिलते हैं और बताते आगे क्या। मैंने बहुत अच्छे से ये पेड़े कर दिए और मानो ने इनको नाम दिया है कि ये बहुत प्यारे फूल लग रहे हैं, और यकीन करें कि मैंने अब और किए तो बाकी बड़े अच्छे से ना फूल की तरह की इसकी वो आ गई है। तो चले अब मैं आपको बता दूं कि इसको किस तरह से हमने दो तरीके से हम इसको फ्रीज कर सकते हैं। एक तो ये है कि मैं इसी तरह से बेलूंगी और उसके बाद बटर पेपर को ऑयलिंग करके मैं आपको बताऊंगी, और इसको हम बटर पेपर में लगाते जाएंगे और फ्रीज कर लेंगे। और सेकेंड स्टेप ये होगा कि मैं इसको बहुत हल्का सा सेक दूँ, तो मैं आपको दोनों चीजें बता दूंगी। तो ये इस तरह से आपने अच्छा सा रोल अप कर लेंगे, जब आप ये बनाएंगे तो आपको इसकी लेयरिंग भी नजर आएगी। तो ये बहुत अच्छे से ये बिल्कुल एक पराठा बन चुका है, आप इसकी लेयरिंग अभी शायद इतनी क्लोजअप आप ना देख सके, लेकिन जब आप ये बनाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत अच्छी सी लेयरिंग इसकी आ गई है। और अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से एक बटर पेपर लेंगे, मैं आपको दो शीट की देखे ले ली है इस तरह से। तो एक बटर पेपर को हम पहले बहुत अच्छे से इस तरह से ग्रीस कर रहे हैं, तो जी इस तरह से हम इस शीट पे इसको लगा देंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये आप इसको आराम से छुड़ा के और इसको सीधा कर लें, ये देखिए बहुत अच्छे से ये हो गया। यहाँ पे दोबारा मैं यहाँ पे ब्रश लूंगी
हम यहाँ से जैसे मैंने आपको दिखाया इसको ऑयल कर लेंगे, ग्रीस कर लेंगे। अच्छा जितना मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ इसमें आपको ये कि फ्राइंग करते वक्त आपको मजीद घी लगाने की मेरे ख्याल से तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, आज की कटिंग मैंने ये आप इस तरह से रख के इसको बहुत हल्का सा प्रेसअप कर लें। ठीक है जी, उसके बाद दोबारा आप इसी तरह इसके ऊपर ब्रश कर लें और जो नेक्स्ट पराठा होगा हमारा वो हम बेल के इसके ऊपर रखेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ बेल के, क्योंकि सेकंड वाली भी मैंने इस तरह से रोल अप कर ली है और इसको मैं बड़े एहतियात से यहाँ से उठाऊंगी। और जो हमने ये पहले से इसको ऑयल लगाया हुआ था, घी लगा के रखा हुआ था, उसके ऊपर इसको रख देंगे इस तरह से और आराम से इसको सेट कर लें। और उसके बाद आप एक और बटर पेपर ले लें, यहाँ पर इसको बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लें। ग्रीस करना इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, वरना आपका पराठा चिपक जाएगा और फिर वो सुबह स्कूल जाने वक्त बिल्कुल भी उतरेगा नहीं और आप लेट हो जाएंगे बच्चे आपके। सही कह रही है ना मानो? मामा को रेसिपी बहुत अच्छी लगी है, वो कह रही है मैं ये जरूर ट्राई करूंगी घर जाके, फिर देखे क्या होता है। तो जी ये देखिए ये बहुत अच्छे से हो गया। इसी तरह से मैं ये बाकी भी सारे कर दूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी इसको जिप बैग में या किसी भी एयरटाइट कोई ट्रे टाइप कोई ऐसी चीज़ों की कम से कम इस साइज की हो उसको किस तरह से आपने फ्रीज करना है तो मैं बोलता हूँ। सारे पराठे इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप बेल के बिल्कुल सेट कर लिए हैं। ये मेरे पास जिप लॉक बैग है, आप देख सकते हैं। इसी तरह का बैग आप ले लें या कोई ऐसी ट्रे जिसपे आप फ्रीज कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज ले लें। तो इसको पहले मैं खोल लेती हूँ, अच्छे से खोल लें और मानो आप मेरी हेल्प करेंगी। हाँ बस ऐसे ही रखिए इसको, बड़े ही अच्छे तरीके से बड़े इज्जत से आपने इस तरह से देखो आपने इस तरह से इसमें रखना है इसको, ये इस तरह से सेट कर दें एंड देन फूड और ट्री। और अब आपने इसको बिल्कुल इसकी एयर निकाल के और बेशक ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे और इसको अब हम फ्रीज कर देंगे। ये आप तकरीबन 2-3 वीक्स के लिए इसको फ्रीज कर सकते हैं, जस्ट निकालें और फ्राई करें। और अभी रिजल्ट के लिए मैं आपको एक फ्राई करके भी दिखा, मैंने आपको कहा था मैं आपको फ्राई करके भी दिखा दूंगी। ये बिल्कुल बहुत हल्का ग्रीस्ड पैन है और ये मैंने इसमें ये इस तरह से पराठा डाल दिया है। अभी आपने इसकी एक साइड अच्छे से बना लेनी है और उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज कर ली। बिल्कुल इसकी एक साइड बड़े अच्छे से हो गई है, मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त और बहुत अच्छी इसकी लेयरिंग जो है वो आएंगी। कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये फ्रीज नहीं किया था, ये मैंने आपको बनाकर दिखाना था। तो मैं इस तरह से इसको हल्का ब्रशिंग कर रही हूँ। जो हमने फ्रीज किए हैं उनमें इतना इनफ घी लग गया है कि आप वो बस जस्ट निकाल लें और उसको फ्राई कर दें। साइड चेंज कर लेंगे बिल्कुल। फ्लेम बहुत आपने स्लो रखनी है, ये नहीं कि तेज आंच पे बस कलर आना चाहिए अंदर से चीज कच्ची हो, नहीं, मीडियम लो फ्लेम पे काम करें। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये फूल रहा है, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका कलर आया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने बाकी भी आप जो फ्रोजन भी निकालेंगे वो बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। बहुत जबरदस्त है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा।